अडानी अम्बानी की सरकार है, गरीबों की सरकार कहाँ है भैया? अंधभक्त हो, एक मिनट, अंधभक्त जो होते हैं यहाँ, नहीं अब सुनो, चमचे या चमचे, वो आंखों में आंसू कैमरे पे दिखाते हैं, आंखों में आंसू में रो रहा हूँ, बाकी 3 लाख का 10 लाख का सूट पहन के हवाई यात्रा करते हैं। अरे बुरे दिन आ गए, इससे अच्छे बुरे दिन लौटा दो, अच्छे दिन वाले जो बुरे दिन पहले थे वही लौटा दो, अच्छे दिन वाले। 5 किलो राशन से हमारा भला होने वाला नहीं है, रोजगार हमारी माँ बहनों को लालच देके वोट ले लेते हैं। अडानी अम्बानी की सरकार है, गरीबों की सरकार कहाँ है? हमें बता रहा हूँ, हवाई चप्पल वाला टैक्सी भी नहीं हट पा रहा है। सरकार घोषणा करती है 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष। एक मिनट, ये किसका दावा था? हम किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते। मैं बता रहा हूँ, नरेंद्र मोदी ने कही 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष, 9 दुनिया 18 करोड़ रोजगार होने चाहिए। और फ्री का नहीं मिलेगा, मेहनत करो ना यार। अडानी अम्बानी की सरकार है, गरीबों की सरकार कहाँ है? हमें बता रहा हूँ, अडानी के इसलिए 40,000 करोड़ रुपए माफ हो गया। अडानी को कोई फर्क नहीं पड़ता इन लोगों के बोलने से। गरीब आदमी का घर छिन जाता अगर ऐसे 10 लाख रुपए किसी बैंक का कर्ज ले लेता, लेकिन 40 लाख करोड़ का अम्बानी अडानी अम्बानी का है, लेकिन उसका कुछ नहीं है। साबित क्या करे, दिखाई नहीं दे रहा शेयर मार्केट में कितना वो हो रहा है, कितना कर रहा है, क्या करें? अरे हाई कोर्ट में जाओ, ये कह रहे अडानी अम्बानी की है, गरीब आदमियों की नहीं है। गरीब जनता जो है अपना जो पेट पाल रहा है इसके लिए नहीं है सरकार, ये अडानी अम्बानी की सरकार है, बीजेपी सरकार, मैं बता रहा हूँ। गरीबों की सरकार है, कौन है? मोदी जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो आंखों में आंसू कैमरे पे दिखाते हैं, आंखों में आंसू में रो रहा हूँ, बाकी 3 लाख का 10 लाख का सूट पहन के हवाई यात्रा करते हैं। उनका लाखों अरबों करोड़ रुपए विदेश यात्रा में गया, उनका लाखों करोड़ों अरबों रुपए विदेश यात्रा में गया, क्या हुआ विदेश से? हवाई चप्पल वाले भी हवाई यात्रा करेंगे? कोई नहीं यात्रा कर रहा, हवाई चप्पल वाले टैक्सी भी नहीं बैठ पा रहा है, हवाई चप्पल वाले टैक्सी भी नहीं बैठ पा रहा है, हवाई चप्पल वाले को हवाई चप्पल भी नहीं मिली। अच्छे दिन आ गए तो? अरे बुरे दिन आ गए, इससे अच्छे बुरे दिन लौटा दो, अच्छे दिन वाले जो बुरे दिन पहले थे वही लौटा दो, अच्छे दिन वाले। हम बता रहे हैं ना, जो पहले बुरे दिन थे वही लौटा दो ना, वही अच्छे दिन लग रहे। मोदी 8 साल की सरकार, बिल्कुल हमें तो बकवास बना रहे, बेवकूफ बना रहे जनता को। क्या कह रहे हैं भाई? ये कह रहा हूँ, सरकार चाहे जो भी आ जाए, कोई भी आ जाए, परेशानी पूरी तरह से सबकी खत्म नहीं हो सकती। मेन चीज है जनसंख्या, जनसंख्या पे कानून बनने चाहिए। सारी समस्या का जड़ जनसंख्या, जनसंख्या तो है ही मेन जनसंख्या। कौन सा बंदा ऐसा है जो मोदी जी के आने से अपना घर बेच दिया हो, अपना मकान बेच दिया हो, किसे घाटा हो? एक बंदे के नाम बता दो मुझे, जो बंदा पहले साइकिल से चलता था, बाइक से चल रहा है, जो बाइक से चलता हो 4 चक्के गाड़ी से चल रहा है, बताओ। आप एक कॉलोनी में देखो, बताओ, इतने मकान बन रहे हैं लॉकडाउन के बाद, इतने मकान बन रहे। अरे जब भैया जब पैसा है तभी तो मकान बन रहे। जो रोड रास्ते नहीं थे वैसा देश चाहिए ही नहीं। रोड रास्ते 8 साल में बने, 9 साल में। अरे भैया अंधभक्त हो, एक मिनट, चमचे अंधभक्त जो होते हैं यहाँ, नहीं अब सुनो, चमचे या चमचे, 10 का मैं बताऊं, लंबर 1 एम्स, ठीक है, कहाँ एम्स? 22 एम्स, कौन सा? मैं बताऊंगा 10 का, देख सुना भैया किसी ने एम्स, मैं 10 काम गिनाऊंगा। पहला काम एम्स गिनवा, एम्स कहीं नहीं बना एम्स, कागजों में काम पूरा होता है, कागजों में धरा दिया ने दिखाया था कुछ दिन पहले, आप ही की मीडिया ने दिखाया, खाली कहीं बंजर, कहीं नहीं हुआ, धरती पर जमीन फर्जी आपने एम्स गिनवा दिया। अरे एक एम्स एक भी नहीं बना हमारे इसमें, एम्स एक भी नहीं, कागजों में बनाया सिर्फ एम्स, वो बोले मैं कागज तक सीमित। मैम आप पत्रकार हो ना, आपको हर चीज की नॉलेज, उत्तराखंड में ऋषिकेश में एम्स बना है या नहीं बना है, आपको नॉलेज होगी नहीं होगी? एम्स वादे उत्तर प्रदेश में अगर हम करें वहाँ पे भी वादा था कि 8 सूबे के अंदर एम्स बन जाएंगे, सूबे के अंदर 8 एम्स बन जाएंगे सर, 2022 का वादा था। तो आप मेरी बात सुनो, छोटे दो एग्जाम्पल का, उदयवीर भाई मेरी बात सुनो, देखो रोड देखो कहीं
कहीं भी रोड देखो आप मक्खन जैसे रोड बन गया है। इस पे आलोचना मत। मैं मान रहा हूँ रोड आनंद रोड मान रहा हूँ रोड मान लिया आनंद लाल जाने में ठीक ठीक क्या बन गया आप लाल कुएं से दादरी चले जाओ नेशनल हाईवे दादरी लाल कुआ से सिकंदराबाद तक चले जाओ आपको मक्खन जैसे मिलेंगे चले जाओ। कौन कह रहा है बेरोजगारी बोल रहे हैं ना मैडम बेरोजगारी बोल रहे हैं ना आप अभी मैडम मैडम एक मिनट सुनो मेरी बात आप बेरोजगारी बोल रही ना अभी ठेके पे चले जाओ मैडम ठेके पे आप मैम अभी ठेके पे चलो ठेके पे देख लो बेरोजगारी कितनी है एक नहीं दो दो तीन तीन चार चार बोतल भर रहे हैं और वो भी गरीब लोग कहाँ से पैसे आ रहे हैं भाई ठेके पे कहाँ से ठेके पे एक घंटे के लिए नहीं निकला हजार रुपए कमा लिए एक घंटे में हजार रुपए कमा लाए चाचा सरकार भूखी मर रही जब ठेके सरकार चली एक चीज हो रही अभी कहा गया कि रॉबर्ट उसके अडानी और अंबानी की सरकार है बिल्कुल सहमत नहीं हूँ इससे क्यों कोई बाहर के विदेश के वो जो आए यहाँ पे रोजगार दें आके उनके लिए काम करे क्या देश की सरकार है देश में अगर वो मेहनत कर रहे हैं वहाँ तक पहुँच रहे हम भी पहुँच सकते हैं सब पहुँच सकते हैं उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये कह रहे कि घोटाला कैसे हो गया ना कि नहीं देखो घोटाला कांग्रेस की सरकार में जितने घोटाले हुए 2G हो गया बहुत सारे हुए कॉमनवेल्थ गेम्स वो सब भूल इसे किसके लिए बोलोगे 11 लाख करोड़ अडानी दोबारा देश का 11 लाख करोड़ देखो मुझे उससे नहीं जिसके दिल में जो है वो करता है लेकिन घोटाले हर सरकार में होते हैं कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमी रह जाती। हाँ नंबर एक है मोदी का सरकार है मोदी सरकार नंबर एक है चाचा तो कैसे लग रही है नंबर एक कई आरोप सरकार पे हैं अब हमें घोटाले का आरोप योगी मोदी का सरकार हमारे तरफ तो इलाहाबाद में कोई दंगा फसाद नहीं हुए इलाहाबाद में हमारे दंगा नहीं हुआ कानून व्यवस्था अच्छी हो गई। हाँ कोई महंगाई बेरोजगारी पहले राशन बिक जाते थे अब राशन घर घर आके बोलते हैं भैया अपना राशन लेके आओ सहमत है नहीं मैम सबसे जहाँ तक बात है महंगाई की बात है अगर कहीं मैं काम कर रहा था 5 साल पहले 10,000 में आज 30,000 में कर क्या कहेंगे सर समझ में आ रहा होगा क्या चल रहा है गरीब क्या करेगा राशन अब तो बेक रहे हैं इतने राशन मिले 3 साल 4 साल नहीं मिल रहा मैम इतना राशन बेक रहे हैं ले जाओ बेक रहे पहले ना मिला मेरा राशन जान लेते युवा भी है युवा क्या सोच रहा है इस बार भैया कौन पसंद है अखिलेश पसंद है अखिलेश यस बीजेपी बढ़ाने लगे नहीं बिल्कुल भी नहीं तो बढ़िया कर रहे क्या काम अच्छा किया कहाँ रोज राशन भी हो गया कानून व्यवस्था अच्छी हो गई ये बताओ नहीं राशन देने से क्या फ्यूचर इंक्लूड सही होगा क्या राशन देने से फ्यूचर सही होगा क्या बड़ी बात देखो युवा कह रहा है कि राशन फ्री देने से क्या देश का भविष्य जो युवा है वो सिक्योर हो जाएगा भाई आप बड़ा बोल रहे थे कि राशन भी क्या आप बता पाएंगे सिर्फ राशन देने से गरीबी खत्म हो जाएगी। मैं तो कह रहा हूँ मैम ये बंद करना चाहिए सरकार को जैसे रोड होगी बिजली होगी पानी होगी इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जैसे शिक्षा हो गई से स्कूल हो गए इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए फ्री का ये चीज नहीं देना चाहिए राशन सब बंद करना चाहिए। तो ऐलान कर रहे हैं जाकर स्कूटी फ्री देंगे हम बेटियों को अगर हम दोबारा सरकार में देखो जरूरतमंद बार्गेनिंग होना चाहिए जिसकी चीज खराब हो घर में कोई कमाने धमाने वाला ना हो और मैं तो कह रहा हूँ राशन कार्ड की भी जो जाँच होनी चाहिए जिसके घर में 4-4 सरकारी वाले अभी है ना उनके भी घर वो भी गरीबी राशन कार्ड ले रहे मैम ये जो राशन कार्ड की जांच होनी चाहिए। क्या सर नहीं जो राशन जो फ्री बटेगा तो कोई काम ही नहीं करेगा तो राशन तो मिल ही रहा है बात हो गई राशन बंद करवा दो सब अपना मेहनत करेंगे काम करेंगे सब रोजगार अपना ढूंढते रहेगा मगर ये बात है मगर कंपनियों में ना सैलरी बहुत कम है 8,000 रुपए सैलरी उसमें से 4,000 रुपए मकान मालिक को दे बाकी आमदनी बढ़ रही है कहाँ आमदनी बढ़ी है कहीं नहीं बढ़ा राशन नहीं रोजगार चाहिए रोजगार क्या जरूरत है रोजगार दो हमें 5 किलो राशन से हमारा भला होने वाला नहीं है हमें रोजगार हमारी माँ बहनों को लालच दे के वोट ले लेते हैं ये क्या है भाई गलत तो नहीं है ना हाँ 5 किलो राशन हमें दे रहे हो क्या है गलत है राशन वाले पीछे से पीछे कायम कर देते हैं राशन को आगे आने ही नहीं देते घोटाला हो जाता है घोटाला हो जाता है बिल्कुल हाँ
नहीं लायक है तो उसको राशन दो ना, जो बिल्कुल गरीब है। सरकार तो कह रही है भैया राशन जाए इनको, भाई साहब खड़े हैं, सर खड़े, इनको मिल रहा है राशन, इनका घर पे पहुंच रहा है। ऐसे कह देते पीछे से कम आ रहा है, सरकार को क्या करना चाहिए? राशन नहीं तो फिर क्या देना? लालच है, रोजगार देना चाहिए और क्या है। राशन नहीं, राशन तो बुजुर्ग आते हैं, गलत है। सिलेंडर पक्का घर, नल जल, सिलेंडर सब्सिडी खत्म कर दी, सिलेंडर कितने का पहुंच गया? हाँ। सिलेंडर की तो बात ही मत करो। हाँ। सिलेंडर पे क्या कहेंगे आप? सिलेंडर पे सही है, अब मान लो कि सही है, कोई दिक्कत